हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 9 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर एंड द एंगल बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो। ये हमने कुछ इस तरीके से फिगर बनाई, ठीक है, ए बी, ठीक है, और ये कितना है 9 मीटर, ठीक है, ये क्या है 9 मीटर, और ये क्या है बिल्डिंग, क्या है बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद टॉप ऑफ केबल टावर, सपोज ये है सी और ये है डी, तो ये क्या है केबल टावर, क्या है केबल टावर, ठीक है, इसका पॉइंट एक ले लिया ई। अब वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, टॉप ऑफ बिल्डिंग ये है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया कितना है 60 डिग्री। उसके बाद वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है हमारा देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा क्या होता है ये 45 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, हमें डिटरमाइन करनी है हाइट ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर। सपोज कीजिए ये है हमारा एक्स, ठीक है, और ये है हमारा एच, क्या है एच, और ये 9 है तो ये भी कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे फिगर को अपने क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखिए। लेट ए बी इज ए बिल्डिंग, ए बी क्या है हमारी बिल्डिंग है, एंड सी डी इज ए टावर, सी डी क्या है टावर है, समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद अब ए बी इज इक्वल टू 9, ए बी इज इक्वल टू 9 एंड सी डी इज इक्वल टू 9 प्लस एच, 9 प्लस क्यों चाह गया, लेट सी ई इज इक्वल टू एच एंड बी डी, बी डी क्या है डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, बिल्डिंग एंड टावर इज इक्वल टू एक्स, समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है, कि सी ई को हमने एच मान लिया, ठीक है, ये क्यों माना हमने सी एच, ड्रॉ ए ई पैरेलल टू बी डी, ठीक है। नाउ एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा है, ठीक है, ई ए डी, एंगल ई ए डी इज इक्वल टू 45 डिग्री, देयरफोर एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 45 डिग्री बाय अल्टरनेट एंगल रूल, अल्टरनेट एंगल, समझ आया स्टूडेंट, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना वो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ये होता है, तो अगर हमारा ये एंगल 45 डिग्री है तो हमारा ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री होगा, समझ आया स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो हमारा ई डी है वो क्या है पैरेलल है किसके ई बी के, तो ई डी कितना हो जाएगा 9 और सी ई हमारा क्या हो गया एच, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इन ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है, ए सी ई, ठीक है, तो ए सी ई किसके इक्वल होगा देखिए, ए सी ई ये है, इसमें थीटा क्या दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्या दे रखा है 60 डिग्री। अब हमें क्या पता है, ठीक है, देखिए टैन थीटा, टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है हमारा पी बाई बी, पी क्या है सी ई, बी क्या है
ए ई, ठीक है, बट हम इसको क्या लिखते हैं, सी ई को एज इट इज लिख लेते हैं और ए ई को मैं लिख लेता हूँ बी डी. क्यों? क्योंकि ए ई इज इक्वल टू बी डी. अब थीटा कितना है 60, तो ये क्या हो जाएगा टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू सी ई. सी को हमने माना है एच और बी डी को माना है एक्स. टेन 60 कितना होता है रूट थ्री इक्वल टू एच बाई एक्स. तो यहाँ से एच किसके इक्वल आ गया रूट थ्री एक्स की. इक्वेशन नंबर समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई बात नहीं जी. उसके बाद अब हमारे पास क्या आता है x, हमें क्या फाइंड आउट करना है x. वो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी हम कौन सा ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी. ए बी डी, ए बी डी में भी थीटा कितना है 45 डिग्री. टेन थीटा किसके इक्वल होते हैं p बाई बी के. p कितना हो जाएगा ए बी और b कितना हो जाएगा x, b कितना हो जाएगा बी डी. ए बी कितना है 9 और बी डी कितना है x. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 9 बाई एक्स. टेन 45 क्या होता है 1 इज इक्वल टू 9 बाई एक्स और यहाँ से हम क्या कहेंगे x इज इक्वल टू 9. ठीक है, अब इसको पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1. पुट कीजिए h इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू 9. रूट थ्री क्या होता है 1.732 मल्टीप्लाई बाई 9. क्या हो जाएगा 9 2 18 1 27 और 1 28 8 2 9 63 65 5 6 9 और 6 15. तो ये क्या आ गया 15.588. ठीक है, कितना आ गया 15.588. तो हमें h भी निकल गया और हमारा x भी निकल गया. तो अब हम आंसर लिख देते हैं, हमें क्या करना है हाइट ऑफ टावर. हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू सी डी. वो किसके इक्वल है h प्लस 9 के. h कितना आया हमारा 15.588 प्लस 9 दैट इज 24.588 मीटर. ये क्या आ गया हमारा हाइट ऑफ टावर. ये क्या करना है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर वो किसके इक्वल है, वो है बी डी के इक्वल यानी एक्स के इक्वल और एक्स कितना है हमारा 9 मीटर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है, फिगर अच्छे से बनानी है. ठीक है, और जो हम ये ए बी सी डी पॉइंट्स लिखते हैं ये भी हमें सारे एक्सप्लेन करने हैं.